वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदुस्तान मोटर स्टॉक देश सदै 16.75 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। हिंदुस्तान मोटर स्टॉक 10 पैसे की तेजी स्टॉक के अंदर आज सिर्फ देखने को मिले हिंदुस्तान मोटर स्टॉक में। तो देख सकते हो कि तकरीबन आज की बात की जाए तो 0.60% सिर्फ अप साइड मूव करता हुआ नजर आ चुका है। ओपन होते एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी सुबह में, पर 17 लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस लगा और गिरावट देखने को मिली। तो रिसेंटली देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव का काम करते हुए नजर आ रहे हैं और रिसेंटली प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही यहाँ पे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान मोटर स्टॉक। तो हिंदुस्तान मोटर स्टॉक की बात की जाए तो आज मार्केट कैप 349 करोड़ का है और पी रेशियो देख सकते अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वॉल्यूम देखा जाए तो आज के दिन का 2,84,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है और देख सकते हैं तकरीबन वैल्यू जो है 47 लाख की वैल्यू देखने को मिले ट्रेडेड वैल्यू। बाइंग के लिए देख सकते हो 1,46,000 क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 1,34,000। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर स्टॉक के लिए। तो देख सकते हो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो जैसे 17 लेवल को ब्रेक किया है तो उसी का यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से रेजिस्टेंस ले रहा है हिंदुस्तान मोटर स्टॉक। जबकि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट फिर से नहीं देता है बाइंग साइड में तो गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे के साइड हिंदुस्तान मोटर स्टॉक में 15 लेवल तक। तो रिसेंटली देख सकते कि फिर आज तीसरा दिन है जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक। तो ये लेटेस्ट अपडेट हिंदुस्तान मोटर स्टॉक के लिए।